हैदराज को आई मीन थैंक्स टू माय स्टाफ दे हियर आई हैव टू टेल दिस रियली टेक केयर ऑफ मी मेरे परिवार जैसे ही है दे सिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वार्म वाटर एट नाइट इटसेल्फ यू आर शावरिंग राइट देयर एंड देन सिटिंग इन द कार एंड ड्राइविंग टू द नेक्स्ट लोकेशन आई मीन यू नो योर एंटायर टीम वर्क्स रियली हार्ड विद यू वैसे ऐश्वर्या आप दूसरी बार एक गुजराती लड़की का किरदार निभा रही हैं हम दिल दे चुके सनम में भी आपने एक गुजराती लड़की का किरदार निभाया था तो संजय लीला भंसाली के साथ काम करना कुछ मददगार साबित हुआ इस फिल्म के लिए अच्छा लगता है जब यू नो द एथनिसिटी ऑफ अ कैरेक्टर आल्सो गेट्स अंडरलाइन इट्स नाइस व्हेन योर कैरेक्टर्स आर डिटेल्ड टू दैट यू नो टू दैट एक्सटेंट एंड ये भी अच्छा लगता है जब मेरे मन में ये कैरेक्टर्स यादगार हैं लंबो डगलो मुछो बाकरी सिरे पागड़ी राती बोल बोल तो तोली तोली छे छवीलो गुजराती हो छे छवीलो गुजराती यू नो बीट नंदिनी बीट सुजाता दे आर इंडिविजुअल्स एंड इफ यू सी द टू फिल्म्स नाउ बैक टू बैक यू बी एबल टू सी नंदिनी डिस्टिंक्टली एन इंडिविजुअल एज कंपेयर टू सुजाता आंखों की ऐश्वर्या पहली फिल्म आपने इरुवर चुनी थी मणिरत्नम की फिल्म थी पहली फिल्म के लिए वो रोल जो था वो बहुत ज्यादा गंभीर रोल था अलग ही रोल था नो इट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ही पहली फिल्म के लिए डबल रोल थी तो दो यू गेट टू एक्सप्लोर बीइंग अ सिंपल विलेज वुमन एंड अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एम्बिश गर्ल मॉडर्न गर्ल इन एन ईरा सो फॉर द फर्स्ट फिल्म टू गेट you know, to explore such a different world, such different characters, Tamil, a new language, and just basically get introduced to cinema. It was the perfect school, and I worked with incredible talents there. I mean, a wonderful director like Mani. Film के लिए अभिषेक बच्चन ने 11 kg put on किया था. आपको भी वजन बढ़ाना पड़ा था? जी. There was no limitation on the weight that we had to put on, but because we were shooting Dhoom at the time, and for that I had to get like you know fit and toned. बहुत बहुत शुक्रिया हमें पता है ये रात बहुत मुश्किल से गुजरने वाली है आपकी heavy costumes बड़ी बड़ी jewellery पहन कर. That's our job. That's what you commit to doing, and you know it's a wonderful world. फिर भी हमारे लिए आपने वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Yes. सपने मत देखो सपने कभी सच नहीं होते मेरा बापू कहता था लेकिन मैंने सपना देखा हमने सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना तो क्या अपना सपना पूरा हुआ